तो स्वागत है सभी का जल्दी खोलो के आज के इस नए एपिसोड में। आज मैं इस वीडियो में एक ऐसे चीज के बारे में बताने जा रहा हूँ, दिखाने जा रहा हूँ, जो एक्चुअली होना सभी के घर में होना चाहिए बट एक्चुअली होता बहुत ही रेयरली किसी के पास है। दैट इज अ वेइंग स्केल। नॉर्मल आपका वजन मापने के लिए नहीं, बट आप जो खाना खाते हो उसका वजन मापने के लिए आप इसको इस्तेमाल कर सकते हो। बट पहले इस बॉक्स में देख लेते हैं कि किस हालत में आया। आई हैव ऑर्डर्ड इट फ्रॉम Amazon एंड ये मेरे को सबसे सस्ते में सबसे बेस्ट प्रोडक्ट आपको मैं दिखा रहा हूँ और मैं खुद भी इस्तेमाल करने वाला हूँ। तो चलो जल्दी जल्दी इसको अनबॉक्स कर लेते हैं। बहुत ही फालतू सा पैकेजिंग, मतलब कोई भी फाड़ सकता है, बट हाँ अंदर आपको इतना सारा गार्बेज मिलेगा। मुझे समझ नहीं आता इतने छोटे से प्रोडक्ट के लिए इतना बड़ा पैकेज देके इतना एनवायरनमेंट को पल्यूट करने की क्या ज़रूरत है। हालांकि ये रिसाइकल्ड होते हैं बट फिर भी इसको साइड में हटाते हैं। यू कैन सी अंदर एक बॉक्स है। सो दिस इज़ व्हाट द मेन प्रोडक्ट इज़ एंड ये कुछ ऐसा दिखता है। बाहर से तो ऐसा ही लिखा हुआ है, बाहर से तो ऐसा ही ड्रॉ किया हुआ है। अब अंदर देखते हैं। अगर मैं बाहर की बात करूँ तो यहाँ पर लिखा हुआ है इलेक्ट्रॉनिक किचन स्केल, ओके, एंड इसका मॉडल नेम है SF400 एंड पीछे यहाँ पे 2AA बैटरीज इंक्लूडेड है, सो विच इज़ रियली गुड। बट हाँ आजकल के दिनों में हर कुछ चीज़ें चार्ज पे लगा के आप इसको रिचार्ज कर सकते हो, वैसा अगर फैसिलिटी इसमें भी आ जाए तो बहुत अच्छा होता, बट उसके लिए लिथियम बैटरीज प्राइस ज़्यादा हो जाते। बट ये मेरे को बहुत सस्ते मिला है, मैं आपको उस पर आ रहा हूँ प्राइस पे। बट लेट्स ओपन इट अप एंड फिर मैं आप बताता हूँ आपको कि मैंने इसको खरीदा क्यों है, क्या नौबत आ गई भाई कि मेरे को खरीदना पड़ रहा है। बट आपको ओपन दिस। सो दिस इज़ वॉट द पैकेज कंटेंट्स। यहाँ पे 2AA बैटरीज दिए हुए हैं, बहुत ही लोकल वाले कंपनी के। आई डोंट नो इसका पावर कितना दिन चलने वाला है। नहीं चल रहा है तो आप ड्यूरासेल खरीद लेना, बहुत सही चलता है। और इसके अंदर एक मैनुअल दिया हुआ है जो कोई नहीं पढ़ता। यहाँ पे चाइनीज में लिखा हुआ है और यहाँ पे इंग्लिश में लिखा हुआ है। एंड दिस इज़ हाउ द विंग स्केल। ये गोल वाला पार्ट रोटेट नहीं होता, ये बस ऐसे ही गोल है। एंड एज यू कैन सी हियर यहाँ पे ऑन ऑफ बटन दिया हुआ है, मतलब आपका स्केल हमेशा, मतलब इसको दबाओगे तो ऑटोमेटिक ऑन रहता है। मोस्ट ऑफ द वेइंग स्केल्स में जो इलेक्ट्रॉनिकली बैटरी पावर्ड होता है उसमें ऐसा होता है, बट इसमें ऐसा नहीं है। एंड वन थिंग वेरी इंपॉर्टेंट अबाउट इट कि इसमें वजन, मतलब आप देख रहे हो कि आप आपका खाना माप सकते हो तो आप खुद इस पर चढ़ गए तो ये टूट सकता है, टूट जाएगा भी, क्योंकि इसका मैक्सिमम कैपेसिटी यहाँ पे लिखा हुआ है 10,000 ग्राम, मतलब 10 किलो तक ये मैक्सिमम ले सकता है इसके ऊपर। इस मैं तो कहूँगा 3 किलो के ऊपर कुछ। जस्ट यूज़ इट फॉर योर किचन पर्पस, मतलब आप कितना खा रहे हो, आप 1 किलो का खाने से ज़्यादा कुछ खाओगे नहीं, राइट। मतलब इन केस मैं कह रहा हूँ कि आप एक थाली का ही वेट करो तो वो 1 किलो तक आएगा। सो डू नॉट एक्सीड, मतलब आप खरीद रहे हो तो मतलब मजाक मस्ती नहीं करना चाहिए, राइट। सो चलो इसको पावर, अच्छा ये पावर ऑन तो होगा नहीं, फर्स्ट लेट्स पुट द बैटरीज। तो बैटरी इसमें खाली है, इसको डालते हैं, ओके। सो ये यहाँ पे डाल दिया एंड द अदर गोज लाइक दिस। वाओ यहाँ पे लाइट जल गया। सो नाउ लेट्स स्विच इट ऑन। सो यहाँ पे ग्रीन डिस्प्ले दिखा रहा है एंड इफ यू पुट प्रेशर यहाँ पे आप देखोगे यहाँ पे वजन में चेंजेस आ रहे हैं एंड दिस इज़ वेरी सेंसिटिव। तो यहाँ पे मैं एक चीज़ बता दूँ, सिंस दिस इज़ अ वेरी लो पावर्ड, कभी कभी होगा कि आप कुछ भी सामान नहीं रख रहे हो बट फिर भी आपका फ्लक्चुएशंस की वजह से आपको 17 ग्राम 20 ग्राम 30 ग्राम जैसे अभी मेरे को यहाँ पे दिखा रहा है, ओके, विदाउट एनी वेट ऑन इट। तो इसको क्या करना है, सिंपल बात है कि आप मान लीजिए इसको रखे हो, अभी मेरे को ये 100 ग्राम दिखा रहा है एंड इसको मैं उठा रहा हूँ तो ये मेरे को 36 ग्राम्स दिखा रहा है, ओके। यू कैन सी देर इज़ नो वेट, सही है यार। मैं जब कैमरे की तरफ कर रहा हूँ इट इज़ कमिंग है ज़ीरो, फिर भी देखो हाँ अभी ज़ीरो आया। सो ये थोड़ा फ्लक्चुएट कर रहा है विच इज़ नॉट राइट, बट मैं इसको नीचे रख के देखता हूँ आपके सामने। तो एज यू कैन सी यहाँ पे अभी 35 ग्राम्स दिखा रहा है विच इज़ नॉट द करेक्ट मेजरमेंट। इसको मैं ऑफ करता हूँ एंड देन फिर से ऑन करता हूँ, ओके। सो नाउ इट इज़ परफेक्ट ज़ीरो। तो अभी क्या कर रहे हैं, मान लीजिए मैं यहाँ पे आमंड्स रखा हूँ, सो यू कैन, मैं एक आमंड रख के दिखाता हूँ आपको, इट इज़ नॉट टेकिंग द वेट। इतना सा रखने के बाद यहाँ पे 8 ग्राम हो गए। सो आमंड्स को भी साइड में हटा के फर्स्ट एक्सप्लोर करते हैं मोड में क्या है। मोड में एक ओजी में आता है, एक ग्राम में आता है। OZ हम लोग यूज़ नहीं करते हैं, हम लोग ग्राम में करते हैं हमारे कल्चर के हिसाब से। सो व्हाट वी कैन डू इज़ दैट, मान लीजिए आपको आमंड्स का वेट लेना है तो फर्स्ट आप इस कटोरी में, बिकॉज आप इसमें ही नहीं रखोगे ये बहुत ही गंदा होगा, इसमें आप कटोरी रखें एंड यहाँ पे आपको कितना दिखा रहा है, 61 दिखा रहा है।
सो व्हाट यू डू इज टेयर मतलब बिना इसके आपको -61 दिखाएगा, मतलब इसका वेट अभी जीरो है अभी इसमें आप। सो नाउ द एंटायर ग्राम ऑफ इट इज 16 ग्राम्स, मतलब अभी अगर मैं इसको खाऊंगा मुझे पता है कि मैं 16 ग्राम ऑफ आलमंड खा रहा हूँ एंड मैं इसको जितना डालता जाऊंगा द वेट विल गो अप। तो अब मान लीजिए आपने इसका वेट देख लिया है एंड आपको दूसरा कुछ कटोरी में एंड अगेन अ न्यू फूड यू वांट टू, मान लीजिए इसमें आप आलमंड्स देखे तो किसी और कटोरी में आपको ओट्स देखना है, ये उस कटोरी का टोटल वेट है। ओके सो अगेन यू विल पेस टेयर, सो टोटल इस कटोरी का वेट इसमें आ जाएगा विच इज़ रियली गुड। एंड जब आपका यूज़ होना बंद हो गया जस्ट शट इट ऑफ एंड जब आप फिर से इसको ऑन करोगे अगेन इट विल स्टार्ट फ्रॉम जीरो, सो इट विल नॉट रिमेंबर कि लास्ट आपने कौन सा कटोरी रखा था, क्या टेयर मारा था। सो टेयर ऑप्शन इज फॉर ब्रिंगिंग द वेट बैक टू जीरो, मान लीजिए आप कोई भी कटोरी इसमें रखे हो फिर भी द वेट अगर आपको जीरो करना है सो जस्ट प्रेस द टेयर एंड दैट्स हाउ इट इज। तो कभी कभार हाथ में ऐसे कैरी कर लोगे तो इसमें ना इट कैचेज द वेट ऑफ इट, ठीक है, तो फ्लक्चुएशंस आएंगे, सो ऑलवेज कीप इट हियर एंड अगर आपको वेट गलत दिखा रहा है शट इट डाउन, पावर ऑन ऑफ बटन दबा के देन अगेन शट इट ऑन एंड इट विल शो यू करेक्ट, क्योंकि मुझे गलत दिखा रहा था जब मैं हाथ में इसको पकड़ा था, जैसे अभी मैं पकड़ा हूँ इसमें 14 -14 आ रहा है विच इज़ नॉट द राइट करेक्ट रीडिंग राइट। तो ये तो हो गई इसकी फंक्शनैलिटी एंड इसको इस्तेमाल करना बहुत इंपॉर्टेंट है ताकि आपको पता चले कि आपके हेल्थ के हिसाब से आपको कौन सा डाइट फॉलो करना है, कौन सा चीज़ आपको ज़्यादा नहीं खाना है, मतलब यू मस्ट नो द क्वान्टिटी ऑफ एवरी आइटम दैट यू आर ईटिंग, मतलब जितना हो सकता है, अगर आप चावल खा रहे हो तो वो 100 ग्राम का खा रहे हो, 200 ग्राम का खा रहे हो, कितना खा रहे हो दिन में या फिर एक पर्टिकुलर मील में, वो आपके पास कैलकुलेशन होना बहुत ज़रूरी है सो दैट यू कैन आप एक पर्टिकुलर डाइट फॉलो कर सको एंड आपको पर्टिकुलर वो न्यूट्रिएंट्स मिल सके एंड दैट विल रियली कीप यू हेल्दी थ्रू आउट योर लाइफ। हमें पता नहीं होता है, मान लीजिए मैं यहाँ पे 5 आलमंड्स दिया, मुझे पता नहीं है राइट इसमें एग्जैक्टली क्या क्या चीज़ें हैं, मतलब अगर मैं बेसिक्स की बात करूँ फैट्स इसमें कार्बोहाइड्रेट्स प्रोटीन्स कैलोरीज हमें पता नहीं होती है राइट कि एक आलमंड में कितना होगा या फिर 20 ग्राम ओट्स में कितना होगा, उतना कैलकुलेशन हमें पता नहीं होता है। सो व्हाट यू कैन डू इज दैट आई हैव इंस्टॉल्ड एन ऐप, मैं ऐप का आपको फ्री वर्जन का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, यू कैन रियली यूज दैट ऐप इन ए वेरी यूजी वे, मतलब उसमें क्या करना है आपको हर खाने का वहाँ पे क्वांटिटी के हिसाब से दे सकते हो, वहाँ पे ऑप्शन भी रहेगा कि आलमंड का आपको ग्राम में देना है या इतना ग्राम आलमंड खा रहे हो या फिर आपको क्वांटिटी में देना है कि इतना पीस में आलमंड खा रहा हूँ, तो उसका एग्जैक्ट न्यूट्रिएंट वैल्यू आपको कैलकुलेट करके दे देगा एंड यू कैन ऐड योर एंटायर मील कि इन अ डे आप क्या खा रहे हो, यू कैन सेव योर मील्स, यू कैन क्रिएट योर मील्स कि हाँ हर दिन आपको क्रिएट नहीं करना पड़े कि मैं ये खा रहा हूँ आज भी यही खा रहा हूँ, इफ़ यू हैव ए स्पेसिफिक रूटीन एवरी डे के लिए, तो बेस्ड ऑन दैट यू कैन क्रिएट योर कैलोरी, मतलब अगर आपको कैलोरी डेफिसिट डाइट करना है तो आपको पता चलेगा, मेंटेन करना है तो आपको पता चलेगा, कैलोरी सरप्लस में खाना है तो आपको मतलब आपको आइडिया होगा। सो आई एम गोइंग टू डू दैट इन माई डाइट एंड ये आपको मेरे व्लॉग्स इंस्टाग्राम में देखने को मिलेंगे, सो सारे डिटेल्स नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं सो दैट यू कैन कम एंड फॉलो एंड यू कैन कीप ऑन आस्किंग जो भी आपके सवाल है रिगार्डिंग एनीथिंग रिगार्डिंग इस वीडियो रिगार्डिंग एनी अदर वीडियोज़ इन माई चैनल, तो आप पूछ सकते हो इन दिस वीडियो के कॉमेंट में भी या फिर मेरे को पर्सनली DM करके भी पूछ सकते हो। सो मिलते हैं आप सबसे नेक्स्ट वीडियो में एंड इसके बारे में कुछ भी जानना है तो डू लेट मी नो, ये मेरे को 219 का पड़ा है फ्रॉम माई प्राइम अकाउंट इन Amazon, 219 नहीं तो डिलीवरी चार्जेस देना पड़ता, दिस इज द चीपेस्ट दैट आई गॉट इन Amazon एंड ऑब्वियसली चीप अगर होता है तो उसमें थोड़ी कमियां तो होंगी ही राइट, क्योंकि सबसे चीप में आ रहा है, बट हाँ आई जस्ट वॉन्टेड टू ट्राई आउट क्योंकि 500 का खरीद के 2 दिन में ख़राब हो रहा है और 200 का खरीद के भी अगर 2 दिन में ख़राब हो रहा है तो ख़राब इस मतलब ज़्यादा ख़राब नहीं लगेगा कि 200 का जल्दी ख़राब हो रहा है तो ज़्यादा ख़राब नहीं लगेगा, आई जस्ट बॉट इट एंड ऑल्सो ये इस चीज़ में लोग खर्चा नहीं करना चाहते उस चीज़ को भी दिमाग में रखते हुए मैंने आपको ये बताया सो दैट यू कैन ऑल्सो स्टार्ट कैलकुलेटिंग योर डाइट अकॉर्डिंगली एंड एट ए वेरी चीप रेट, मतलब आप जो भी खा रहे हो दिन में, मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि आप ज़्यादा खाओ कम खाओ ज़्यादा महंगा खाओ, जो भी खा रहे हो उसको आप कैलकुलेट कर पाओगे वेरी इजिली विद दिस। सो मिलते हैं आप सबसे नेक्स्ट वीडियो।